गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग NCERT मैथमेटिक्स क्लास 12 में रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। यह इंट्रोडक्शन दो या तीन पार्ट में होगा। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन का मतलब कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं और सच्चाई यह है कि इसको हमको यहां पर क्लास 12th में नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन हो सकता है आप लोग इसको भूल गए हो, दिमाग में ना हो, आपको पुनः इसको रिवाइज करने में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं इसको रिवाइज करवा दे रहा हूं। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। ये क्या है? If A and B are two non-empty sets, अगर A और B दो अरिक्त समुच्चय हो, then in Cartesian product, तब Cartesian product में क्या करते हैं? Each element of set A, set A का प्रत्येक element makes pair, एक जोड़ा बनाता है। With every element, every elements of set B, set B के प्रत्येक एलिमेंट से, इसको इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहा हूं, इसलिए अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ना चाहें तो भी पढ़ लें आराम से, और जहां तक मेरे विद्यालय की बात है उन बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया गया है, तो मेरी बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे, और जहां इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया गया है वो इसको समझ ही सकते हैं, क्योंकि मैं इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। देखिए यहां लिख भी दिया हूं, वी रीड इट ए क्रॉस बी या और इसको ऐसा पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ सेट बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ सेट बी। और इसका मैथमेटिकल नोटेशन जानना बहुत जरूरी है, कैसे लिखते हैं। तो यहां है मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट ए बी, ए बी एक ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर है, फिर ए बिलोंग्स टू ए, ए किसका सेट है? ए का, और बी किसका सेट है? बी का, सॉरी ए किसका एलिमेंट है? सेट ए का, और बी किसका एलिमेंट है? सेट बी का। अब हम यहां पर दो एग्जांपल्स लेते हैं, एक सेट ए, दूसरा एक नॉन एम्प्टी सेट है बी, दो सेट्स हैं। अब हमको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, प्राप्त करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाए, कैसे निकाला जाए, इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो ये अपना तरीका है जो एनसीईआरटी मेथड नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन यहां पर बात हम कर रहे हैं। होगा क्या? कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट मेक्स पेयर, पेयर बनाता है, जोड़ा बनाता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब कहने का कि ए चार के साथ पेयर बनाएगा, फोर के साथ ए, फाइव के साथ ए, सिक्स
इसके साथ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा, ये भी एक सेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट है। तो वन का पेयर किससे बना, फोर के साथ। फिर वन का पेयर किससे बना, फाइव के साथ। फिर वन का पेयर किससे बना, सिक्स के साथ। इसी प्रकार टू भी अप्लाई मेज बनाएगा, टू अप्लाई मेज किससे बनाएगा, फोर से। फिर टू किससे अप्लाई मेज बनाएगा, फाइव से। फिर टू किससे अप्लाई मेज बनाएगा, सिक्स से। फिर देखिए थ्री एक पेयर बनाएगा किसके साथ, फोर के साथ। फिर थ्री फाइव साथ पेयर बनाएगा, और फिर थ्री सिक्स के साथ अपना पेयर बनाएगा। कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं, अभी बन गई। ये आपका कोएफिशिएंट प्रोडक्ट है, आप इसको नोट कर लें। फिर हम आपको बताते हैं कि एनसीईआरटी में कैसे दिया गया है। आप देखिए एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन क्लॉस 19 पढ़ा, कोऑर्डिनेट पढ़ा, जिसमें भुज कोण, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इसको कार्टेशियन प्लेन में कार्टेशियन प्रोडक्ट को दिखाएंगे, तो फर्स्ट सेट को हम एक्स एक्सिस लेंगे, फर्स्ट सेट के एलिमेंट को कहा लेंगे एक्स एक्सिस पर, सॉरी एक्स एक्सिस पर, और सेकंड सेट थी के एलिमेंट को वाई एक्सिस पर लेंगे। आप देखिएगा ग्राफ ड्रा करें हम, ये पॉइंट क्या बन गया, पहले क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वन फोर, फिर ये क्या है वन फाइव, ये क्या है वन सिक्स, ये क्या है टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, ये क्या है, ये पॉइंट थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स। अब देखिए अब हम कुछ इसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन करना है हमको, कुछ चीजों को देखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। इसको समझ गए ना, पहले ए क्रॉस बी लिखा जा चुका है, वन फोर वन फाइव वन सिक्स, टू फोर टू फाइव, टू सिक्स थ्री फोर, थ्री फाइव थ्री सिक्स, जैसे भी आपको आसान लगे वैसे भी आप कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं इससे जुड़ी हुई, देखना है कि यदि ए या बी में से, सेट ए या सेट बी में से कोई एक सेट एम्प्टी हो, पहला इफ आइदर सेट ए और सेट बी इफ इम्प्टी, इम्प्टी, चाहे इसमें कोई एलिमेंट ना हो, चाहे इसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, इम्प्टी सेट आएगा, क्या आएगा, इम्प्टी सेट आएगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये देखिए, चाहे सेट ए इनफाइनाइट सेट हो, चाहे बी सेट बी इनफाइनाइट सेट हो,
मतलब आइदर सेट ए और सेट बी बी ए इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? हमने कहा था कि ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद सेट बी, ये होगा क्या? ये भी एक इनफाइनाइट सेट ही होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट होगा। ऑब्जर्वेशन थ्री, टू इक्वल ऑर्डर पेयर, टू इक्वल ऑर्डर पेयर। अब आप देखिए, अभी हमने ये क्रॉस बीम लिखा था, उसके एलिमेंट जो थे 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यह है ऑर्डर में है। ऑर्डर इसलिए है कि पहला एलिमेंट पहले सेट का पहले सेट से है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। किसी को भी देख लीजिए, यहां आइए, पहला एलिमेंट पहले सेट से देख लीजिए, यहां पर दूसरा एलिमेंट दूसरे से, यहां देखिए पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, इसलिए इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होगा, इक्वल कब कहा जाएगा? जैसे अगर हम एक ऑर्डर पेयर लिए एक्स वाई, दूसरा ऑर्डर पेयर ले लें हम 3 6, ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3 और वाई की वैल्यू क्या होगी? 6। तो एक्स इज इक्वल टू 3 और वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6। नोट करें प्लीज, इसका मतलब जो पहले ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, और पहले ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा दूसरे ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। मतलब x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 6। इसको आप नोट कर ले प्लीज। ऑब्जर्वेशन 4 जरा देखिए, अगर सेट ए में एलिमेंट का एलिमेंट की संख्या पी हो और सेट बी में एलिमेंट की संख्या क्यू हो, इसको कहते हैं इंग्लिश में कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पी एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू क्यू। तो ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर की संख्या कितनी होगी, ऑर्डर्ड पेयर की संख्या कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू पी इंटू क्यू। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जरा देखें, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, जैसे ट्रिपलेट में अभी तो डबलेट था, ऑर्डर पेयर, पेयर मीन्स टू, ट्रिपलेट अब तीन एलिमेंट आएंगे, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी जब लेंगे एक ब्रैकेट में, इसमें 1 2 3 एलिमेंट होंगे,
पहला एलिमेंट सेट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से होगा और तीसरा एलिमेंट सेट सी से होगा। वैसे आपके पाठ्यक्रम में एक ही सेट का ट्रिपलेट दिया गया है, जैसे ए क्रॉस ए, ऐसा हमको पढ़ने को मिला है। लेकिन हम चाहेंगे एक सेट लें, ए अलग ले लें, बी अलग ले लें, सी अलग ले लें, उसका हम ट्रिपलेट दिखाएं। जैसे फिर से हम चलते हैं, पहले वाला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, बी इज इक्वल टू 4, 5, 6 एंड सी इज इक्वल टू 7, 8, 9। जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर 7, 8, 9 मैंने क्रम में लिया है, आप भी लें। यहां कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। अब हम ए क्रॉस बी लेंगे। पहले ए क्रॉस बी देखिए, ए किससे पेयर बनाएगा, 4 से, फिर 1 किससे पेयर बनाएगा, 5 से, फिर 1 किससे पेयर बनाएगा, 6 से। अब 2 भी तो पेयर बनाएगा भाई, एक ने तो पेयर बना लिया, एक एक नहीं तीन तीन शादियां कर लिया और 2 का नंबर आएगा। अब ये तो 3 शादी कर लिया भाई, 2 को भी 3 शादी करनी है, ठीक है? पढ़ते फिर थोड़ा सा हंसी मजाक ही हो जाना चाहिए। देखिए अब 2 किससे किसके साथ पेयर बनाएगा, 2, 4 के साथ 2 शादी करेगा, 4 से फिर क्या करेगा, 2 शादी करेगा, 5 से फिर 2 शादी करेगा, 6 से। मेरे ख्याल से ज्यादा समझ रहे होंगे आपको। फिर अब 3 कहां कमजोर पड़ने वाला, अब फिर 3 किससे पेयर बनाएगा, 4 से, फिर 3 किससे पेयर बनाएगा, 5 से, फिर 3 किससे पेयर बनाएगा, 6 से। अब ये हमको मिल गया क्या, ए क्रॉस बी, क्या मिल गया, ए क्रॉस बी, ठीक है? क्षमा चाहूंगा, हमारे स्कूल के बच्चे तो जानते हैं थोड़ा सा मेरा मजाकिया टोन है, जो अपरिचित हो क्षमा करेंगे उसको। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको हंसाना है और फिर पढ़ाना है, इसमें मेरी किसी भी बात को अन्यथा नहीं लेंगे। अब क्या करना है आपको, ए क्रॉस बी क्रॉस सी लेना है आपको। अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 1, प्रत्येक ऑर्डर पेयर है, एलिमेंट भी होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, प्रत्येक ऑर्डर पेयर क्या है, एलिमेंट है। अब देखिए सी का ही है, जरा इस एलिमेंट को देखिए, ये अपना पेयर किससे बनाएगा, 7 से। 1, 4 किससे बना रहा है, 1, 4 किससे पेयर बना रहा है, 7 से, ठीक है? अब 1, 4 फिर किससे पेयर बनाएगा, 8 से, फिर 1, 4 किससे पेयर बनाएगा, 9 से। चलिए भाई 1, 4 अपना पेयर बना चुका, अब कौन पेयर बनाएगा, 1, 5, कौन, 1, 5 किससे पेयर बनाएगा, 1, 5, 7 से, फिर 1, 5 किससे पेयर बनाएगा, 8 से, फिर 1, 5 किससे पेयर बनाएगा, 9 से। चलिए भाई 2 लोग निपट गए, अभी 7 लोग बाकी हैं। फिर 1, 6 किससे पेयर बनाएगा, 1, 6 7 से, देखिए 7 से,
फिर 1 6 किससे बनाएगा 8 से, फिर 1 6 किससे बनाएगा 9 से। अब आप लोग समझ गए होंगे, इसी तरह से सब पेयर बनाते रहेंगे, लास्ट में 3 6 का नंबर आएगा तो वह 7 बनाएगा, 8 बनाएगा और 9 से। 3 6 7 से बनाएगा, फिर 3 6 8 से बनाएगा, फिर 3 6 9 से बनाएगा। यानी हमने दो वाले के साथ सौतेला व्यवहार कर दिया। क्या भाई, दो के सेट के साथ जो तीनों हैं इनके साथ सौतेला व्यवहार किया, ये आप लोग कर लीजिएगा। सब मैं ही करूंगा तो आप लोगों को भी कुछ करना चाहिए। भाई क्लास 12 में है, अलेमत में पढ़ चुके हैं। चलिए इसको नोट करिए, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन।